मुद्दे की बात तो यह है कि अब भले ही खाकी को दागदार करने वालों पर कार्रवाई का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। एक ओर अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर कर दिया बुलडोजर अटैक। ललितपुर कांड पर अब सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो योगी सरकार पर तीखा हमला करने से नहीं चूके। कहीं पता कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, वो अराजकता के केंद्र बन गए। दरअसल योगी सरकार में महिला सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए अखिलेश ने ललितपुर की वारदात के सहारे सत्तारूढ़ भाजपा पर सियासी शब्दबाढ़ छोड़ दी। सर आपका क्या कदम रहेगा, मुख्य विपक्षी दल लगातार इन घटनाओं को सदन में उठाएंगे और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, कानूनी मदद भी करेंगे और अगर अलग से भी हमें मदद करनी पड़ेगी, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या मदद करेगी। पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाने से पहले अखिलेश ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर करारा हमला बोला था। उन्होंने लिखा, न्याय को ही लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचाना होता, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए भी लोगों के दरवाजे तक जाना होता है। अखिलेश के अलावा आम आदमी पार्टी से प्रदेश के नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर कांड का जिक्र कर योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। हालांकि भाजपा और राज्य सरकार के तमाम नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और अखिलेश सिर्फ राजनीति में जुटे हैं। अखिलेश ये काम है ट्वीट करना, इसके अलावा कभी किया नहीं है। उनके कार्यकाल में जो गुंडों की बाढ़ आई थी वो सारे रोक दी गई है और मैं काम और कह सकता हूँ कि उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए इनके तमाम से बयान आते हैं। विपक्ष का काम है सत्ता से जुड़े जनता से जुड़े मुद्दे उठाना और सत्ता का उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चाक चौबंद है। कि योगी सरकार में कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जा रहा है, कानून का राज स्थापित है। घटना के बारे में अभी पूरी बात कह पाना, जैसे आपने एक सवाल किया, सवाल आप कर सकते हैं लेकिन घटना क्या है उसकी पारदर्शी तरीके से जांच होगी और जो भी चीजें हैं वो निकल कर सामने आएंगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ। मुद्दे की बात यह है कि इस तरह की घिनौनी वारदात होती है तो सियासत होना लाजमी है, लेकिन जरूरी है कि इस मामले में एक्शन का बुलडोजर इस तरह चले कि दोबारा ललितपुर कांड ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।